भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से की थी। ये फिल्म 30 लाख के बजट में तैयार की गई थी। इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया और 9 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। इस फिल्म में मनोज ने न सिर्फ एक्टिंग के दम पर बल्कि अपने गायकी के हुनर से भी खूब नाम कमाया था। इसके बाद उन्होंने कई हिट सॉन्ग और कई सुपरहिट फिल्में की और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज मनोज तिवारी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन बता दें कि मनोज तिवारी के जीवन में भी एक ऐसा वक्त था जब उन्हें रोजी रोटी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। मनोज तिवारी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया। इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने कहा कि मैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आया था और 2092 से लेकर 2003 तक मैं यही रहा हूँ। मैं दिल्ली को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और दिल्ली में भी ऐसे कई लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मनोज तिवारी ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि मैं यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत भटका, फिर यहाँ लोधी रोड पर बरसाती में टी सीरीज का एक स्टूडियो है जहाँ मैं नौकरी के लिए गया और यहाँ गुलशन कुमार जी ने मुझे मौका दिया। यहाँ मैं करीब 3 साल तक रहा था। इसके बाद मैंने यमुना बाजार के पास एक आश्रम है वहाँ भी काम किया और यहाँ मैंने दूसरों के लिए रोटियाँ बनाई। इसके बाद मनोज तिवारी ने अपने इंटरव्यू में राजनीतिक संघर्ष के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा, जब अन्ना हजारे आंदोलन करने आए थे तो उस आंदोलन में सबसे पहले कूदने वाला कलाकार मैं था। मैं बाबा रामदेव के मंच पर भी गया, वहाँ पर भी लाठी खाया। मनोज तिवारी ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि सबको पता है कि मनोज तिवारी एक गांव का लड़का है जो 28 सालों तक साइकिल के लिए तरसा है और सबका दर्द भी जानता है। बता दें कि मनोज तिवारी सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि काम की तलाश में कोलकाता भी गए थे। इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया था और बताया था कि वो करीब 4 साल तक कोलकाता में रहे। उनके मुताबिक कोलकाता में वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। मनोज तिवारी के करियर की बात करें तो वो भोजपुरी सिनेमा के जाने माने सिंगर और एक्टर हैं। मनोज तिवारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में साल 2003 में कदम रखा था। उन्होंने फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला से एक्टिंग में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने दरोगा बाबू, आई लव यू, बंधन टूटे ना, कब आईबू अंगनवा हमार, ए भौजी के सिस्टर, औरत खिलौना नहीं, धरती कहे पुकार जैसी कई धमाकेदार फिल्में दी। हालांकि फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सिंगर भी रह चुके हैं। उन्होंने इस इंडस्ट्री में 10 साल तक अपनी आवाज का जादू फैंस पर चलाया है। मनोज तिवारी आज एक बड़ा नाम है, फिर चाहे वो राजनीति हो या फिर फिल्मी सफर हो, देश भर में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।